तो फ्रेंड फाइनली ना अंकल आ चुके हैं और ये गेट खोल रहे हैं, रूम खोल रहे हैं, रूम खुल गया है। हम लोग चलते हैं अंदर, आपको पूरा अच्छे से दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड क्या खूबसूरत हमें ये रूम देखने को मिल रहा है, वॉल देखिए, पंखा देखिए, सब कुछ मुझे बहुत ठीक ठाक लग रहा है और आई होप कि आपको भी पसंद आ रहा होगा ये रूम। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल, फिर से स्वागत है खैर मकदम है एक और खास इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर। जी हाँ, जैसे आपने पिछला ब्लॉग देखा कहाँ से, तो पंजाब के अमृतसर से। जी हाँ, वो भी एक बहुत ही सस्ता और बढ़िया होटल था। फिर आपका भाई दूसरा होटल का ब्लॉग लेकर आ चुका है, ये भी बहुत बढ़िया, उससे भी साफ सुथरा और उससे भी बहुत बढ़िया होटल है ये। मैं भी हूँ कहाँ, तो जस्ट हमारे सामने आप देख रहे हैं ना अमृतसर। जी हाँ, अमृतसर रेलवे स्टेशन है और जस्ट मैं अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने हूँ और यहीं से ना मैं आपको बहुत ही अच्छा होटल का ब्लॉग देने वाला हूँ। कौन सा होटल है तो मैं आपको बता दूँ कि जस्ट हमारे सामने आप देख रहे हैं ना, सूरी गेस्ट हाउस। जी हाँ, सूरी गेस्ट हाउस बहुत ही बढ़िया होटल है और यहाँ मैं अंदर चल के दिखाऊँगा, बहुत बढ़िया फैसिलिटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ 500 रुपये में एक आदमी और 600 रुपये में दो आदमी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये होटल है, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे आवाज़ बहुत है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चलता हूँ अंदर फिर आपको मैं पूरा दिखा के बात करता हूँ। चलिए फ्रेंड फाइनली देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने सूरी गेस्ट हाउस के रिसेप्शन काउंटर के पे। जी हाँ, ये रिसेप्शन काउंटर है, ये कुछ इस तरीके का मेन गेट है। हम लोग चलेंगे इसी सीरीज से ऊपर और आपको पूरा दिखाते हैं। तो फ्रेंड फाइनली अंकल आ चुके हैं और ये हमें पूरा रूम का टूर करवाएंगे, सारी जानकारियाँ देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर और आपको पूरा दिखाते हैं। मैं फ्रेंड अभी जो दिखाऊँगा वो नॉन एसी रूम होगा और उसी रूम में एसी भी लगा हुआ है तो एसी का चार्ज बढ़ जाएगा। मैं अभी नॉन एसी रूम खोल के दिखाता हूँ। तो जो नॉन एसी का रूम है वो एक बंदे के लिए 500 और दो बंदे के लिए 600। चलिए अंकल ने लाइट वगैरह जला दिया है, अंदर चलते हैं। तो फिर फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और जैसे ही हम अंदर आते हैं ना तो कुछ हमें इस तरह का टेलीविज़न वगैरह देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं, सॉकेट चार्जर वगैरह सब कुछ है। टेबल भी हमें देखने को मिल रहा है, चेयर देखने के लिए मिल रहा है। बेड की बात की जाए तो बेड भी ठीक है, सॉफ्ट है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊँ तो बाथरूम की, तो देखिए बाथरूम भी जो ना वेस्टर्न बाथरूम लगा हुआ है, नहाने के लिए बाल्टी बेसिन सब कुछ लगा हुआ है और गीजर भी है तो ठीक ठाक है जितना फैसिलिटी। अब सबसे बड़ी बात कि अटैच बाथरूम है, आपको 500-600 में अटैच बाथरूम मिल जाएगा, और क्या चाहिए। तो फिर जैसा देख रहे हैं ना, वॉल वगैरह, पंखा, एसी आपको सब दिख रहा होगा, एसी का चार्ज अलग है। तो चलिए अब अंकल हमारा दूसरा रूम भी खोल के दिखला रहे हैं, वो भी खोल के दिखाते हैं। फ्रेंड देखिए, पहले तो हमें बेड काफ़ी बड़ा देखने को मिला है, साथ ही साथ चेयर टेबल इसमें भी देखने को मिल रहा है। वॉल देखिए, वॉल कितना प्यारा है, फ़ैन देखिए, सब कुछ मुझे इस रूम में ना बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है कि ये जो है ना बिल्कुल ही मेन रोडवे पे ही है। जी हाँ, बिल्कुल रोड पे है। तो आप देखा रूम काफ़ी बड़ा है और मैं आपको फिर से एक बार इसका भी बाथरूम दिखा देता हूँ, बाथरूम कैसा है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें भी वेस्टर्न बाथरूम लगा हुआ है, साफ बेसिन वगैरह सब दिख रहा है, गीज़र वगैरह सब कुछ दिख रहा है। और इसमें ना आपका बिल्कुल ही बजट के अंडर में आने वाला है। जी हाँ, बड़ा चौड़ा बेड है, दो आदमी इजीली रह सकते हैं, 100 रुपया बढ़ेगा, 3 आदमी भी रह सकते हैं। मैं दिखाता हूँ ये स्टेशन के कितना पास है। तो देखिए फ्रेंड, जस्ट ना हमारे सामने ये देखिए, तो पहली बात कि ये जो होटल है जब मेन रोड पर है आप देख रहे हैं और जस्ट वो हमारे सामने रेलवे स्टेशन का मेन गेट। तो फ्रेंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कोई भी ऐसा आप सवाल पूछना चाहे तो आप कमेंट करके पूछिए, आपका भाई हमेशा जवाब देता है और देगा। तो इसी तरीके के ब्लॉग देखने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में और जुड़ जाइए, हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि पूरे हिंदुस्तान के मैं इसी तरीके का ना वीडियो आपको लाकर देता रहूँगा। तो चलिए फिर हाजिर होते हैं खास ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।